ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है कि इन दिनों फुल फॉर्म में है, इसलिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले सरकार ने जहां असम और मेघालय के बीच 50 सालों से चले आ रहे सीमा विवाद को खत्म किया, तो वहीं अब पूर्वोत्तर राज्यों से करीब 10 साल बाद अब सपा जैसे कानून को हटाने का धाकड़ फैसला लिया है। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के 3 बड़े राज्य असम, नागालैंड और मणिपुर के कई क्षेत्रों से दी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी कि अफसपा हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक के बाद एक ट्वीट में दी। उन्होंने बताया, एक अहम कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में दशकों बाद सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत आने वाले अशांत इलाकों को घटाने का फैसला किया है। सुरक्षा में सुधार, निरंतर प्रयासों के कारण तेजी से हुए विकास, मोदी सरकार की ओर से उग्रवाद खत्म करने के लिए किए गए कई समझौतों और पूर्वोत्तर में अस्थायी शांति के फलस्वरूप अफसपा के तहत आने वाले इलाकों को घटाया जा रहा है। एक और ट्वीट में अमित शाह ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटूट प्रतिबद्धता की वजह से दशकों से उपेक्षा झेल रहा हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास का गवाह बन रहा है। मैं पूर्वोत्तर के लोगों से इस अहम मौके पर बधाई देता हूं। सरकार के इस फैसले को क्रांतिकारी बताते हुए अरुणाचल प्रदेश के सांसद और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, यह फैसला हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शांति और विकास दो समानांतर रास्ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहल की है और अमित शाह जी ने उसको एग्जीक्यूट किया है, जिसके माध्यम से कई जो संगठन हैं जो गलत रास्ते में थे वो रिटर्न हो गए हैं और कई जगह डिस्टर्ब थे वो अब शांति हो गए हैं और कई गुटों से बातचीत चल रहे हैं। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में तो अफसपा पहले ख़त्म कर दिया था सिर्फ 3 जिले को छोड़ के, और आज जो निर्णय हुआ है इसमें बाकी एरिया है जो जैसे कि खास करके नागालैंड है और जैसे असम है, बड़ा एरिया है, मणिपुर है, त्रिपुरा में तो पहले ही हमने अफसपा ख़त्म कर चुके थे वहाँ के राज्य सरकार से तालमेल करके। जो बचे हुए इलाकों में जो मेजर रिडक्शन हुआ है ये दर्शाता है कि नॉर्थ ईस्ट अब पूरे के पूरे पूर्वोत्तर राज्य अब शांति और विकास के पथ पर चल चुके हैं। जब भी तो ये अफसपा को रिडक्शन करने का फैसला लिया है, ये बहुत ही क्रांतिकारी है। सर, कैसे चेंज होगी, मतलब क्या फर्क आएगा? फर्क ये होगा, अब सिक्योरिटी ऑपरेशन जो पहले बहुत लार्ज एरिया में होते थे वो कम हो गया, क्योंकि घटना ही नहीं है, और घटना नहीं होने से तो वहाँ विकास का जो दौर है वो और तेजी से आगे बढ़ेगी। अफसपा होने से क्या होता है कि एक डिस्टर्ब माहौल में लोगों को एक भय रहता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस आ रहे हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ गतिविधि होते हैं गलत तरीके के। तो अब ये अफसपा कम होने का मतलब ये है कि शांति लौट आई है और अब नॉर्थ ईस्ट विकास के पथ पर चल चुके हैं क्योंकि शांति का भी बहाल हो गया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने मोदी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा, मैं 9 जिलों और 1 सब डिवीजन को छोड़कर असम के सभी क्षेत्रों में अफसपा वापस लेने के लिए पीएम मोदी के फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं इस साहसिक निर्णय के लिए गृह मंत्री अमित शाह के प्रति भी अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अब राज्य का लगभग 60% क्षेत्र अफसपा के दायरे से मुक्त होगा। सीएम हेमंता ने लिखा, अफसपा 1990 से लागू है और यह कदम असम के भविष्य में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। यह राज्य में कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार का प्रमाण है। शांति की प्रधानता के साथ उत्तर पूर्व अब विकास के एक नए रास्ते पर है। मैं असम के लोगों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने शांति में विश्वास किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण यह क्षेत्र भारत के विकास का नया इंजन बनने के लिए तैयार है।
आपको बता दें कि आपसपा ऐसा एक्ट है जिसके तहत अशांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिलते हैं। सुरक्षा बल बिना चेतावनी के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या तलाशी अभियान चला सकते हैं। इस दौरान होने वाले फायरिंग में अगर किसी की जान चली जाती है तो उसके लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार नहीं होगा। उत्तर पूर्व के कई अशांत प्रदेशों और जम्मू कश्मीर में कई दशकों से अपसपा लागू है। बहरहाल इन सब के बीच एक बात और आपको बता दें कि बात चाहे असम मेघालय विवाद सुलझाए जाने के ऐलान की हो या अपसपा हटाए जाने की, इन दोनों ही ऐतिहासिक फैसलों का ऐलान खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की, तो वहीं बुधवार को ही उन्होंने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाले बिल पर भी तथ्यों के साथ लोकसभा में अपने गृह मंत्रालय की ओर से जबरदस्त अंदाज में बात रखी, विरोधियों के तमाम आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। आप भी सुनिए अमित शाह की ये स्पीच। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले एक बहुत बड़ा विषय आया, संघीय ढांचे पर अतिक्रमण का, और दूसरा राज्यों के अधिकार हम छीन रहे हैं इसका। मनीष भाई भी बोले, विपक्ष के कांग्रेस के नेता भी बोले, दादा भी बोले, कई सारे लोगों ने बोला। मैं सबसे पहले इस गुरु के सामने इस विषय को स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये विधेयक जो मैं लेकर आया हूं, माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 239 AA के प्रदत्त संसद की शक्तियों के अनुरूप मैं लेकर आया हूं। अगर किसी को पढ़ना है तो मैं पढ़ भी सकता हूं, मैं संविधान को भी लेकर आया हूं कि पुरस्थापित करते वक्त भी ये मुद्दे उठाए गए थे, उस मुद्दों का जवाब भी दिया गया, मगर फिर से आज ये मुद्दे उठाए गए। अनुच्छेद 239 AA 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यहां एक अलग प्रकार से बात की जाए, राज्यों के अधिकार, केजरीवाल साहब भी इसकी दुहाई देते हैं, राज्यों के अधिकार। मैं इसलिए एक शब्द पर भार दिया, किसी ने नहीं सुना, दिल्ली संघ राज्य। ऐसा विधेयक मैं महाराष्ट्र में नहीं ला सकता, ऐसा विधेयक मैं गुजरात बंगाल में नहीं ला सकता, ना केंद्र सरकार ला सकती, मगर राज्य और संघ राज्य का अगर अंतर मालूम नहीं है तो मुझे लगता है कि ध्यान से संविधान को पढ़ना चाहिए। अभी जो मैं विधेयक लेकर आई हूं मान्यवर, वो संघ राज्य के संबंधित है, और राज्यों के अधिकार धारा 246, ये सारी चीजों का आप उपयोग कर किसको गुमराह करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये विधेयक हम बिल्कुल संविधान प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप लाए हैं और पूर्णतया संविधानिक विधेयक, क्योंकि दिल्ली संघ राज्य है और संघ राज्य की किसी भी बात पर, दिल्ली संघ राज्य की किसी भी बात पर लेजिस्लेशन लाने का भारत सरकार का अधिकार, और ये अधिकार का उपयोग क्यों किया इस पर भी सवाल उठाए गए, इस पर भी मैं बाद में जवाब दूंगा। मैं थोड़ा आगे कहता हूं कि एक बात बताई गई 2011 में ये विधेयक दिल्ली सरकार में पारित किया गया था संशोधन, और अब आप इसको कैसे अमेंड कर सकते हो या तो कैसे बदल सकते हो। संविधान के अनुच्छेद 239 AA 3C के तहत इस देश की संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्वरूप बदलने का
या तो उसको निरस्त करने का अबाधित अधिकार है। और जो लोग हम पर आरोप करें, मैं उनको बताता हूं, ये हमारे समय में नहीं हुआ है। अधीर रंजन भी सुन ले, ये हमारे समय में नहीं हुआ है। ये संविधान के अंदर प्रोविजन ऑलरेडी है। संविधान को मेरे जैसे सादे चश्मे से दिखोगे तो दिखाई पड़ता होगा, राजनीतिक चश्मों से देखोगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। चश्मे साफ करने का सवाल है माननीय अध्यक्ष जी से, बाकी तो बहुत स्पष्ट लिखा है और सब भाषाओं में है। जो हिंदी पढ़ते हैं उसके लिए हिंदी में है, बंगाली पढ़ते हैं उसके लिए बंगाली में है, अंग्रेजी पढ़ते हैं उसके लिए अंग्रेजी में, मराठी पढ़ते हैं उसके लिए मराठी में, सब भाषाओं में है। हाँ, गुजराती में, मैं इसी से पढ़कर आया हूं, आप पढ़कर आइए, इतना ही कहता हूं। मान्यवर, अनुच्छेद 246 आर का जो उल्लेख किया गया वो निर्वाचन की विधा के संबंधित है। इस बिल में ध्यान से जिसने देखा होगा उसको मालूम होगा, निर्वाचन की कोई प्रक्रिया के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की। उल्टा सुझाव आया कि डायरेक्ट चुनाव कर लेते हैं। अरे भाई, हम नहीं कर सकते हैं, संविधान हमें नहीं परमिशन देता है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ा भ्रांति फैलाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। ये पूर्णतया संविधान प्रदत्त शक्तियों से लाया गया विधेयक है, इसमें संघ राज्य की शक्तियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है और ना हम करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा, मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं कि एक जस्टिफिकेशन था कि भाई राज्य करे राज्य करे। संविधान के अनुच्छेद 239(a)(a)(3)(c) के पहले परंतुक के आधार पर डीएमसी अधिनियम 1957 में संशोधन करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित किया जाएगा। अगर दिल्ली सरकार करती भी है तो उसको राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, मतलब कैबिनेट की चाहिए। इसके अलावा संसद के पास केंद्र शासित प्रदेश जीएनसीटीडी के लिए किसी भी मामले, अर्थात तीनों सूचियों में कोई भी मामला के संबंध में कानून बनाने का समवर्ती शक्तियां प्रदत्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 239(a)(a)(3)(c) के दूसरे प्रावधान के तहत भले ही संशोधन अधिनियम को सहमति दी है, संसद किसी भी समय एक ही समान मामले के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है जिसमें कानून में संशोधन करना, अलग अलग करना, निरसन करना सब शामिल है, जो राज्यसभा की विधानसभा के द्वारा ही बनाएगा। मान्यवर, ये मैं एक नोटिंग पढ़ रहा हूं और कांग्रेस के मित्रों की जानकारी के लिए, ये नोटिंग जब 2011 का एक कानून आया तब देश के गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री और विद्वान धाराशास्त्री श्री पी चिदम्बरम ने किया हुआ नोटिंग है, उनका भी इंटरप्रिटेशन यही कहता है।